हाँ जी स्टूडेंट सभी को नमस्कार, एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब। रेगुलेशंस एक्ट ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेक्शन 14 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने पहले ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पहले ही बोल दिया था, तो कोई भी जो यूनिवर्सिटी है एमफिल प्रोग्राम करवाने के लिए जरूरी ही नहीं है। तो अभी भी उनके पास उनको नोटिस में आया था अभी 14 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एमफिल प्रोग्राम शुरुआने का ऑफर कर रही हैं, बट उनको इमीडिएटली स्टॉप कर दिया है। वी एमफिल करवाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अभी कोई भी एडमिशन्स टेकअप नहीं होगी एमफिल प्रोग्राम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो। और कोई भी स्टूडेंट्स भाई इन सालों में जो कहते हैं हमने एमफिल करनी है 2023 या 24 में अभी हमने करना है, तो वो छोड़ दो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इनको रोक ही दी है, सभी यूनिवर्सिटी को एडमिशन करवाने से ही रोक दी है। तो इन मसलों में मत पड़ो, अभी जिसने पीएचडी सीधी डायरेक्टली ही कर सकते हैं मास्टर के बाद, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी की टेस्ट लेना है या जो भी नेट पेपर है वो अलग मैटर है, बट एमफिल का फंडा बिल्कुल भी स्टॉप है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। थैंक यू।